हेलो बच्चों, मैं नींबू का अचार बनाने जा रही हूँ। मैं देखो, वो ऐसा तो खाते अच्छे से नहीं आता है, उसे अच्छा पट्टी है ना, पट्टी पतला। जे लींबू का अचार जे जूना बनेगा ना, बहुत अच्छा बनता है वो। जो नींबू है ना वो मैं उसमें हल्दी और नमक वो साथ में मिलकर मैं उसमें भर दूंगी। वो एक महीना तक वो अच्छे हो जाएंगे। खाने के लिए बहुत अच्छा है, जो बच्चों खाए ना तो बहुत अच्छा है उसके लिए। वो जो उसमें डाल दूंगा और नमक और हल्दी थोड़ा सा कम है ना तो अच्छा नहीं लगता, वो मिक्स कर डालना ऐसा। वो उसमें ऐसा करके भरना है, ऐसा एक दो महीने बाद तुम्हें खाओगे वो छाल है ना वो एकदम गल जाएगी। वो ऐसा हो जाए वो उस तक वो काटना पड़ेगा, उसे कापा पारना पड़ेगा। बहुत अच्छा बनता है वो नींबू का अचार, दो तीन तरीके से बनता है वो, मीठा सा भी बनता है नींबू का अचार। थोड़ा सा कड़क है वो, थोड़ा सा ग्रीन है, पर एकदम अच्छी छाल होती है, अच्छी छाल और नन्ना सा छोटा सा वो अगल जाते हैं तो जो ऐसा बनता है। जो ऐसा बनता है वो गल जाता है ना, छोटा सा है ना तो ऐसा बनता है। ऐसा बन जाएगा तो खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी ऐसा बन जाएगा। तो हमारे बच्चों हैं ना वो, उसके तो बहुत पसंद है नींबू का अचार, तो बहुत पसंद है वो परोठा और रोटी के साथ। एक साल में दो बार मैं बनाती हूँ, एक साल में मैंने अचार बनाने का बहुत शौक है, वो भी मैं बनाती हूँ अचार भी। अब वो ऐसा में वो एकदम गल जाएगा, वो बहुत अच्छा सा बनेगा, एकदम पोचा और ढीला हो जाएगा वो एकदम।
जो ऐसा फिर सुधी वो भरना पड़ेगा। पहली बार बार मैंने बनाया था तो मसाला थोड़ा सा कम पड़ा था तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने दूसरी बार मैंने थोड़ा सा बहुत डाल दिया है उसमें, कम नहीं पड़ेगा। जो ऐसा है ना वो उसमें नमक और हल्दी का थोड़ा सा पानी हो जाएगा, वो गल जाएगा उसमें। वो ऐसी भरी है ना वो, ऐसी भरी है वो, ऐसी हो जाएगी। इतनी भरी है वो ऐसी हो जाएगी, गल जाएगा ना। तो नींबू का अचार कौन खाता है, वो सब खाता तो है, वो ये खाता है, वो बनाते हो समझ जाएगा कैसा बनता है, वो समझ जाएगा। वो बहुत अच्छा है वो नींबू, एसिड है वो नुकसान नहीं करता, कोई भी खाते हो बूढ़ा और नन्ना बच्चा कोई भी खाते वो नुकसान नहीं करता, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है। हमारी मदर्स चैनल में लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मैं बहुत अच्छा खाना बना के ले आऊँगी। बाय।